यहाँ पर एक निंजा आदमी दिखाई दे रहे हैं। निंजा आपका फेवरेट शो मनी हाइस्ट शुगर किल्स मोर देन वॉर मेरे नसीब में था तो मेरे साथ ही नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Finally, we have reached the Dubai Expo. As you see, यहाँ पर 190 plus countries participate कर रहे हैं and we are going inside. तो दोस्तों आपको ऐसे एक पासपोर्ट मिल जाता है एक्सपो 2020 का क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कंट्रीज हैं तो आप एक्चुअली इस कंट्री के स्टैम्प्स आप यहाँ पर लगा सकते हो। अभी तो खाली है ऑफ कोर्स ये पूरा भर जाएगा बट या यू गेट दिस फॉर 20 दिरहम्स। तो दोस्तों हम लोग ऑस्ट्रेलियन पवेलियन पहुँच गए हैं। यहाँ पर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है नहीं तो आपको फाइन लगता है। सो एक डोम लाइक एनवायरनमेंट है ऑस्ट्रेलिया के पवेलियन पर। आप देख सकते हैं कैंगरूज है, शायद एक शो शुरू होने वाला है यहाँ पर। तो दोस्तों हमने अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया किया क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो सबसे पहले हम जो लोगों ने कहा है कि यहाँ के बेस्ट पवेलियंस है उसको कवर कर रहे हैं। तो हम अभी जा रहे हैं रशिया और 4-5 घंटे में जितना हो सकता है कर लेंगे तो करना है तो बेस्ट ही करेंगे। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं रशियन पवेलियन में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत कलरफुल है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ब्रेन के शेप का एक आर्टिफैक्ट है और मुझे लगता है ये एक स्पाइन होगा। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत है, बहुत अजीब लग रहा है मास्क पहनने के लिए बट इट इज़ ह्यूमंगस और रशिया का पवेलियन बिल्कुल हमें मिस नहीं करना चाहिए। रशिया का भी स्टैम्पिंग लगा देते हैं हम। दोस्तों मुझे सुदान का पवेलियन बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो इतने पुराने हैं और इतने खूबसूरत है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये पेंटिंग्स देख सकते हैं, इट्स रियली नाइस, प्रिटी प्रिटी। सुदान के पवेलियन पर ये देखिए सांप का बना हुआ ये चप्पल, बैग्स। तो दोस्तों अगर आप थक गए हैं तो एक एरिया है यहाँ पर जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। आप देख सकते हो पीपल आर सिटिंग हियर, आप रिलैक्स कर सकते हैं और मैं तो थकी हुई नहीं हूँ क्योंकि 6 घंटे में कितना ज़्यादा मैं पवेलियन देख सकती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। तो सिद्धू जी कहाँ पर जा रहे हैं अभी हम? सऊदी पवेलियन। सऊदी पवेलियन मैंने सुना है बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों ये है सऊदी अरेबिया का पवेलियन, इस पवेलियन में चलने वाले हैं, लेट्स गो। हाँ ये नीचे नीचे पिक्चर है, हॉरिजॉन्टल में ऊपर वो ऊपर दिख रहा है। बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स जो है वो अंदर जा रहे हैं और हम लाइन में वेट कर रहे हैं। लगता है सबसे ज्यादा उत्सुक अगर सिद्धू जी हैं जाने के लिए वो है स्पेन। मतलब इतनी खुशी मुझे कोई भी पवेलियन में नहीं दिखी जितनी स्पेन में दिख रही है। He likes Spain, you like see. Because nobody's there. That's why. Nobody is there. We don't have to stand in the line. That is why he's excited. He's like no standing in the line. So this is how Spain looks. बहुत ही मस्त आर्किटेक्चर, बहुत अच्छा है स्पेन का। सिद्धू सेज नो क्यू, दैट इज व्हाई वी वांट टू गो इनसाइड। आपका फेवरेट शो मनी हाइस्ट फ्रॉम स्पेन। दोस्तों हम लोग यहाँ पर है स्पेन के पवेलियन में और यहाँ पर फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट का पूरा एग्जिबिट है और यहाँ पर एक अलग ही खुशबू आ रही है, बहुत ही यूकलिप्टस वाली खुशबू आ रही है, विच इज़ रियली रियली नाइस। बहुत काम फील कर रही हूँ मैं। ये कंट्री डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में। तो ये है सस्टेनेबिलिटी पवेलियन दोस्तों, इसके अंदर हम जाने वाले अभी। क्या है ये सिद्धू जी, ये सोलर पैनल्स लगे हुए क्या यहाँ पर? एक भी होटल रूम्स जो है ना
वो खाली नहीं है, अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर आए हैं। सलाम करती हूँ मैं हमारे दुबई गवर्नमेंट का, इतना खूबसूरत बनाया है, मतलब आप सोचते रह जाएंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। नेचुरल इंटरनेट अंडरग्राउंड, देखिए कंप्यूटर और बॉटल्स और भी कंप्यूटर्स और उसके स्पेयर पार्ट्स, हम जो एंडलेस वार्डरोब यूज़ करते हैं जो हमारे अर्थ के लिए काफ़ी हानिकारक है, कि वो खरीदते रहते हैं। Sugar kills more than war. देखिए कहते हैं कि what action would you prefer to make your own lifestyle more sustainable? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अपना lifestyle sustainable बनाने के लिए मैं जो है randomly कपड़े नहीं खरीदती हूँ, एक चीज़ है, अगर कपड़े खरीदने हैं तो ही खरीदती हूँ और मैं देखती हूँ उसको हम कैसे अलग अलग तरीके से मैं उसे साइल कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़, मेरे घर पे कंपोस्टिंग रखा हुआ है तो सारा मेरा जो वेट वेस्ट है वो कंपोस्ट होता है। सस्टेनेबिलिटी इज़ की, और नेक्स्ट डेकेड 2030 तक मुझे लग रहा है कि इट इज़ अ वेरी वेरी पिवोटल थिंग दैट वी नीड टू स्पीक अबाउट, टेक केयर ऑफ मदर अर्थ। वो है हमारे सिद्धू पाजी जो हमें यहाँ वहाँ लेके जा रहे हैं। मैं ऑनेस्टली थोड़ी सी थक गई हूँ, लेकिन एक पवेलियन जाना चाहती हूँ, वो है जापान पवेलियन। सिद्धू पाजी क्या लगता है जापान पवेलियन में लाइन होगा? वो खुद इतने थक गए कि जवाब ही नहीं दे रहे, बोल रहे यहाँ से बाहर निकालो मुझे, मैं कहाँ फंस गए यहाँ। मैंने बोला ना लस्सी है, हुकुम की तालीम होगी। क्या लव्स गए हमारे सिद्धू जी ने। ओ यहाँ पर एक निंजा आदमी दिखाई दे रहे हैं, She says there's no reservation. It breaks my heart. Why can't we go? I was so excited to come to Japan. दोस्तों मेरा दिल टूट सा गया है क्योंकि मुझे जापान पवेलियन जाना था, लेकिन मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि ऑनलाइन रिजर्वेशन करना पड़ता है और हमसे चला नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत कड़क धूप है, बहुत थकान हो जाती है और मेरे 6 घंटे यहाँ पर हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी गुरुद्वारा जाके बैठ जाऊँ, शांति से थोड़ा प्रार्थना करूँ। जय हिंद, इतना गर्व महसूस हो रहा है मुझे। Being an Indian, मुझे सिद्धू पाजी कह रहे हैं ये देखो उज़्बेकिस्तान, मुझे कोई स्थान नहीं दिख रहा, मुझे किसी घर का स्थान दिख रहा है, मुझे घर जाना है। सिद्धू पाजी मुझे ये कहना था, मैं पहली बार गुरुद्वारा जा रही हूँ। अच्छी बात है, जाना चाहिए। मैं कभी जिंदगी में नहीं आई हूँ गुरुद्वारा। मुझे रब दा घर बोल रहे, मेरे नसीब में था तो मेरे साथ ही लिखा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सिद्धू पाजी, हमको इतना सुकून मिला यहाँ पर आके। मोस्ट वेलकम। मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना पीसफुल लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था मुझे। और अब थोड़ा प्रसाद खाएंगे हम। खूबसूरत लग रहा है। ये जगह का नाम क्या है? जबल अली। और ये गुरुद्वारा ना, जबल अली गुरुद्वारा, यहाँ पर तो बिल्कुल आना है, बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों अब मैं वापस मुंबई के लिए निकल रही हूँ, मैं बहुत सारी यादों को लेके जा रही हूँ। कहीं पर भी ज़्यादा देर रुकते हैं तो थोड़े से अटैच हो जाते हैं और बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ जैसे मैं जा रही हूँ। ट्रिप बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था। आई थिंक लाइफ इज़ ट्रैवल, यू मीट अमेजिंग पीपल, यू चेरिश ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड दैट्स व्हाट इट इज़। यू गॉट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, यू एंजॉय एंड आई एम ग्रेटफुल, फॉर एवरी मोमेंट, एवरी मिनट, एवरी पर्सन दैट वॉक्स part of my life.